व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वॉचिंग एचटीरियक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं मीम्स, सिग्मा मीम्स हैं जनाब, हैश टैग फनी मीम्स, टग ऑफ मीम चैनल्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी ने नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आइए इकट्ठे बैठ के मीम्स इन्जॉय करते हैं और आई होप मज़ेदार होंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आते रहें, और अगर कोई रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें शेयर कर सकते हो। अगर कोई लिंक हो, स्पेसिफिक कोई लिंक हो, तो फिर हमें इंस्टा पे डीएम कर देना, अकाउंट मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते, नेम शुरू करते हैं। 3, 2, 1, लाइक सब्सक्राइब। मेन चीज़ हेडफोन्स, बाद में मत कहना। 400 रुपया में लिए है, कैसा लग रहा है? एकदम सही बता। अच्छा लॉस हो गया, कहाँ से आप लोग? सहलेंगे थोड़ा सा। और बताओ मेगल पे क्या कर रहे हो? हम लोग तो लड़की ढूंढने आते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलो लड़के ढूंढने। अच्छा भला कर, अरे अंडे से तो बाहर आ जा। हमारी दिल की बात आपके तक पहुंची कैसे, ही बताओ पहले। मोमेंट है भाई, मोमेंट। दिल से दिल का कनेक्शन है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनिंदर सिंह है जी। मनिंदर भाई कहाँ से आए आप? मैं ननकाना साहब से आया। ननकाना साहब से क्या करते हैं आप? मैं बैंक मैनेजर हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ। वेरी नाइस। तो भाई सवाल पूछेंगे या सिर्फ कैश डिपॉजिट करके चले जाएंगे? नहीं, मेरा मैडम से क्वेश्चन है कि मैडम ने क्रिकेट भी खेली है। हाँ, ये मैंने देखा भी की है, और अभी आप स्क्वाश खेल रही हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इनमें से कोई एक काम कर लेती और अच्छे से कर लेती? सरदार जी तुसी छा गए, लिटरली तुसी छा गए। अरे ये मई मैच है ना हमारी, जिसमें बहुत ठंड लगी थी। रुको जरा, सबर करो, मैच और उससे अगले मैच में इतना पेला था, इतना पेला इसकी याद नहीं। पूछूंगा क्या सीन यार, सब मुझे कहते हैं मैं लड़की हूँ, लेकिन बिहेव मेरा लड़कों की तरह है, तो फिर मैंने ड्रेसिंग भी लड़कों वाली कर ली। अच्छा, क्या करती हैं आप? सब कुछ ही हरकतें लड़कों जैसी हैं। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं। आप कुछ हरकतें लड़कों लिए नहीं कर सकते। तू समझा? वेरी चलाक ब्रो, वेरी चलाक। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। भाषा आप अपना मजाक उड़वाए बिना नहीं सीख सकते हैं। गलतियाँ तो अंग्रेजी भी मैंने ऐसी सीखी, जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया उन लोगों की हालत खराब हो जाती मेरी अंग्रेजी। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इंग्लिश तो आपकी भी मेरी तरह है, मतलब बदला लिया भाई ने। बहुत सीरियस क्वेश्चन है, एक ही चीज पूछूंगा। बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेगी? बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेगी? एक गाना है ना, क्या क्या मत क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी भाई, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, कुछ तो करेगी भाई। जब तुमने पैदा होकर जिंदगी में कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं किया, तो भैया क्या करेगी? पुनीत भाई कितना भी सच नहीं बोल रहा था, और इंट्रोडक्शन देने की शायद जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा बिग बॉस में एंट्री कैसे हुई? दरवाजे से सीधा था सामान, तो दरवाजे से। कितने फोन रखते हैं आप अपने पास? मैं 2 फोन रखता हूँ। अच्छा, अब एक और रखूंगा, तीसरा। अब 3 रखेंगे जी। अच्छा बड़े सेलिब्रिटी? नहीं नहीं, वैसे ही पैसा आ गया ना। अच्छा पैसा आ गया ना, पहले पैसे की कमी थी। आयुष को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? मुझे सबसे ज्यादा भिंडी पसंद है। बनानी आती है? नहीं, खानी आती है। सही, उनको पता लगे तो प्रैंक हो गया। फोकस करो, क्योंकि हम आ रहे हैं श्रीलंका, इसको देखने टीम पाकिस्तान। चलो और फिर पाकिस्तान की पति तैयारी कर पाकिस्तान के साथ करो। विराट कोहली को देखने आई। अरे
ये बीच में बड़ी खबर आ रही है चांद से, जहां आज भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। पॉक्सी सूत्रों की माने तो चंद्रयान की भेजी ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिस्टम जैसे शब्द सुनाई दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। चंद्रयान 3 के सेंसर ने ये भी बताया कि लैंड करने के बाद रोवर चांद में रिपोर्टिंग करने पहुंचे एक पत्रकार से भी टकराया, जिससे पत्रकार को मामूली चोट भी लगी। वहीं पाकिस्तान ने भारत के चंद्रयान 3 लैंडिंग को झूठा बताते हुए कहा कि हमने फोन से जूम करके देखा, मगर चांद में ऐसा कुछ दिखा नहीं जैसा भारत दावा कर रहा है। तो ये थे भाई मीम्स जो कि हमने इंजॉय किए, और सिग्मा आज दिखा। मतलब नॉर्मली ये होता है सिग्मा लिखा होता है लेकिन दिखता नहीं है, आज सिग्मा दिखा भी। तो हम वन बाय वन करते हैं, वैसे तो रिएक्ट कर ही दिया लेकिन वन बाय वन करते हैं जनाब। पहली तो थी वो बंदियां जो कि भला करने आती हैं, तो पापा की परियां हैं। पापा कहते हैं बेटी डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर। उसने कहा मैं अभी से भला करूँगी, तुम डॉक्टर बन के भला क्या करना है, हम अभी करेंगे। चलो सही था। उसके बाद जनाब साहब थे ताविश हाशमी, जिसमें सरदार जी ने ऐसा कह लें ऐसी जुगत मारी है सामने वाली स्पीचलेस होगी, हंसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। और फिर थे जनाब वो सिग्मा वाला था, वो ना चेयर से जगह लेनी थी, सही है, वो सही था, बढ़िया था। और इसके बाद था जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, और मैं सही कह रहा हूँ भाई, इतना पेला पाकिस्तान को। वो मैं देख रहा था स्टैट के, इतने इस मार्जिन से तो कभी पाकिस्तान हारा भी नहीं था वनडे में इंडिया से जितना आप हारे। वेल इनको मेरे ख्याल में नंबर वन टीम कहलवा के ना अपने आप को सर पे इन्होंने चढ़ा लिया था। और उसके बाद अभी देखें इंडिया से हारे, फिर ये श्रीलंका से हारे, और अब तो बार भी हो चुकी हैं थे, तो अब तो फाइनल भी हो गई है। तो क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग फाइनल से पहले कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये नहीं पता कि जीता कौन, लेकिन भाई पाकिस्तान के साथ बड़ी 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 पड़ी हुई है, सीधी बात है। वेल अच्छा निकलेंगे तो यही होगा। और उसके बाद था वो बंदी कह रही थी कि मैं सब कुछ लड़कों जैसा करती हूँ, तुम नहीं कर सकती लड़कों जैसा सब कुछ, हमारा तो फंक्शन ही नहीं है। फिर थे जनाब वाजपेयी साहब, फिर एलविश का स्वैग, वो भी सही था। मनीषा होए होए होए, इतना भयानक इसने कर दिया ना उनके साथ, मैं हैरान हूँ। या तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी हिंदी हल्की फुल्की भी, और नहीं तो उन्हें जब पता लगेगा तो वो कहेंगे ये हमारा प्रैंक करके निकल गई बंदी। और फिर वो था स्टेडियम वाला, सही था। ओवरऑल अच्छे मीम्स थे, इंजॉय किया, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नई नई चीज़ें शेयर करते रहना। सी यू गाइस।